नमस्कार जी, मेरा नाम है मीनू। बताने जा रही हूँ और कहीं नहीं, रसोई में रखे लूटे में छिपा है आपकी किस्मत का राज, जानिए कैसे। जब हम नियम और विश्वास के साथ एक लोटा जल लेकर उस जल के साथ खास तरह की क्रियाएं करते हैं, तो इन क्रियाओं से हमारे जीवन में आने वाली परेशानियाँ दूर हो जाती हैं, हमारे जीवन में आने वाले दुख दूर हो जाते हैं, बीमारी ठीक हो जाती है, हमारे शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं और हमारे जीवन में जो ग्रह बाधाएं, जो दोष हैं, वह सब दूर हो जाते हैं और हमें जीवन में सफलताएं मिलती हैं, दुख खत्म हो जाता है और सुख शांति बढ़ती है, हमारी आय के स्रोत बढ़ जाते हैं। और इसके लिए हमें ना तो कुछ खर्च करना पड़ता है और ना ही शारीरिक मेहनत करनी पड़ती है, बस रोज़ाना नियम से कुछ क्रियाएं करनी पड़ती है। बिना किसी खर्च और मेहनत के हमारे जीवन में सब कुछ हमारे मुताबिक होने लगता है। केवल कुछ क्रियाएं करके हमें जीवन में सुख प्राप्त होने लगता है और हमें सब कुछ अच्छा लगने लगता है। इसके लिए हमें सिर्फ थोड़ी सी क्रियाएं करनी पड़ती है। सुबह सूरज निकलने से पहले उठें, रोज़ाना के कार्यों से निपट कर नहा लें, साफ कपड़े पहन लें, एक लोटा पानी लें, उसमें एक चुटकी रोली डाल लें, थोड़ा सा गुड़ और लाल फूल डाल लें। इस पानी से उगते हुए सूरज को अर्घ दें, अपने हाथों को सिर तक ले जाएं। यह ध्यान देने वाली बात यही है कि सूरज उगता हुआ होना चाहिए, जिसको कि आप देख सकें, सूर्य लालिमा युक्त होना चाहिए। दूसरी जो ध्यान देने योग्य बात है वह यह है कि जो पानी आप सूरज को अर्पित कर रहे हैं, उस पानी के छींटे पैरों पर नहीं गिरने चाहिए, अर्थात पानी अशुभ स्थान पर नहीं गिरना चाहिए। पानी गिराते समय गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। यह क्रिया शुक्ल पक्ष की रविवार से शुरू करें और रोजाना नियमित रूप से करें। यदि यह क्रिया रोजाना नहीं कर पाते हैं तो प्रत्येक रविवार के दिन अवश्य करें। इसके साथ एक क्रिया और करें, एक लोटा पानी में थोड़ा सा दूध डाल लें और रात को सोते समय इसे अपने सिरहाने की तरफ रख लें। लोटे को इस तरह रखें कि यह गिरे नहीं। सोमवार की सुबह इसे बबूल के पेड़ पर चढ़ा दें। यह ध्यान रखें कि कोई आपसे बात ना करे। इस एक लोटे पानी की क्रियाओं को करने से ग्रह दोष दूर हो जाएंगे, आपके रास्ते की जो बाधाएं होती हैं वो सब दूर हो जाती हैं, रोग कष्ट खत्म होने लग जाएंगे, आपके जीवन में ऊर्जा और उमंग भर जाएगी और दिनचर्या सही हो जाएगी, कृत दोष दूर हो जाएंगे, इष्ट देव की कृपा प्राप्त होगी, सेहत ठीक हो जाएगी और सभी कार्योज में सफलता प्राप्त होगी। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर।